नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। राहुल गांधी दोबारा सियासी मैदान में कूदने जा रहे हैं। खास बात है कि इसके लिए राहुल गांधी ने राजस्थान के रण को सबसे पहले चुना है। राहुल गांधी 28 जनवरी को गुलाबी नगरी जयपुर आ रहे हैं और यहां एक विशाल रैली करेंगे। राहुल गांधी नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर यूथ और स्टूडेंट को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मौजूदा आर्थिक स्थिति के बारे में भी बोलेंगे। राहुल ने कांग्रेस शासित राज्यों में से सबसे पहले इसके लिए राजस्थान को चुना, तो वहीं राहुल गांधी की रैली के जरिए राजस्थान सरकार की उन उपलब्धियों के बारे में भी बताएंगे जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता में आने पर पूरा करने के लिए कही थी। राहुल का दौरा इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि उनके कार्यक्रम बनने से पहले राजस्थान ने सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन भी किया गया। मतलब साफ है कि राहुल गांधी का राजस्थान पर विशेष फोकस है। ऐसे में इस बात में भी अब पूरा दम है कि दोबारा अध्यक्ष पद पर ताजपोशी भी राजस्थान की सरजमी से उनकी हो सकती है। आज हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगी और चर्चा में वर्षा जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। तो फिलहाल एक नजर इस वक्त सवालों पर भी डालते हैं। क्या राजस्थान की जमीन से नई आवाज को बुलंद कर पाएंगे राहुल? क्या राहुल गांधी का दौरा नया जोश भर पाएगा कांग्रेस पार्टी के अंदर? और साथ ही क्या केंद्र के खिलाफ एक कामयाब बिगुल बजा पाएंगे राहुल गांधी? क्या राहुल के दौरे से सत्ता और संगठन के कामकाज को गति मिलेगी? यह भी सवाल लगातार बना हुआ है। क्या राजस्थान की जमीन से नई आवाज बुलंद कर पाएंगे राहुल? ये तमाम सवाल और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज बड़ी बहस हमारी केंद्रित रहेगी। सुनवाते हैं आपको सबसे पहले कुछ बयान। विद्यार्थियों के लिए एक जन आक्रोश रैली का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है जिसको माननीय राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। आज पूरे देश में युवाओं को और विद्यार्थियों के बीच में जो एक बहुत ही असमंजस का वातावरण बना हुआ है और पूरे देश में युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं आज उनके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं है और ना ही आने वाले समय में किसी प्रकार की रोजगार की आशा या उम्मीद वो कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था चरमराई है और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते पिछले 6 सालों में अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और ऐसा कोई भी कदम नज़र नहीं आ रहा जिससे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का सुधार हो, और इसको लेकर देश का युवा बहुत विचलित है और अपने आप का भविष्य अंधकार में देख रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी छात्र और युवाओं को संबोधन करेंगे, जिसमें आने वाले बजट में या आने वाले समय में केंद्र सरकार के माध्यम से किस प्रकार की व्यवस्था करने का नियोजन वो कर रहे हैं ये प्रश्न केंद्र सरकार से पूछा जाएगा और उनका ध्यान आकर्षित किया जाएगा कि जिस प्रकार से बेरोजगारी पिछले 45 सालों की चरम सीमा पर है देश में, जिस प्रकार से किसानों के हाल और बुरे होते जा रहे हैं उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जो वादे उनने 2014 में देश की जनता के साथ, देश के किसानों के साथ, युवकों के साथ, चाहे रोजगार देने के संबंध में हो, किसानों के मुनाफे को लेकर हो, इन सभी मुद्दों पर किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार का ऐसा कोई भी कदम दिख नहीं रहा कि जिसके आधार पर आने वाले समय में युवकों को या इस देश की अर्थव्यवस्था को या छोटे व्यापारी को या किसान को किसी प्रकार की आशा या उम्मीद हो। और इन सब विफलताओं से ध्यान बटाने के लिए पूरे देश के अंदर में जिस प्रकार से उन्होंने एक असंवैधानिक कानून पारित किया है, जो काला कानून हम कह सकते हैं, चाहे CAA के नाम पे हो, चाहे NRC रजिस्टर के अमल करने के बारे में जो बयान उनने पार्लियामेंट के पटल पर दिया, ये सब देश की जनता का ध्यान विचलित करने के लिए और देश में उनका एक अलग एजेंडा फैलाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है।
तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 वर्षों से माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, जिस प्रकार से अपने बयानों में जो उल्लेख उन्होंने किया था 2014 के चुनाव में भी और 2019 के भी चुनाव में, उस दिशा में कहीं पर भी कोई पहल न देखते हुए और देश के जनता का ध्यान बटाने के लिए और मुख्य मुद्दों से हटकर देश की जनता में आपस में भेदभाव बढ़े, सामाजिक भेदभाव बढ़े और उसके चलते हुए इन मुद्दों के तरफ किसी का ध्यान ना जाए, ये उनकी साजिश से पर्दा उठाने का काम कल जन आक्रोश रैली के माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी करने जा रहे हैं। उसमें प्रमुखता यहाँ पर भागीदारी नौजवानों की रहेगी, छात्रों की रहेगी, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, तमाम ऐसे नौजवान लोग जो आज अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, पीड़ित हैं, भयभीत हैं, आशंकित हैं, उन सबको संबल देने के लिए, ताकत देने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए और केंद्र की सरकार को आईना दिखाने के लिए वो तमाम मुद्दे जिनका उल्लेख अभी हुआ है, उन सब मुद्दों को राहुल गांधी जी यहाँ पर रेखांकित करेंगे। और मुझे खुशी है कि राजस्थान को ये मौका दिया गया कि राहुल गांधी जी की यहाँ पर रैली आयोजित हो। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम सब लोग मिलजुल कर लगे हुए हैं, लेकिन प्रमुखता जैसे मैंने कहा इसमें युवक कांग्रेस, NSUI के हमारे सभी पदाधिकारीगण और युवा वर्ग जो आज सच में पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, ये सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं है। तो इस पूरे घटनाक्रम को और समझने के लिए और कम से कम संदेश देने के लिए देश में कि हम सब लोग लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखेंगे और संवेदनहीनता की कमी है। आज लोग संवाद नहीं कर रहे हैं, आज जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं समूचे देश के अंदर, उनसे कोई वार्ता करने को तैयार नहीं है। तो उन लोगों को बताने के लिए कि हमारी जमहूरियत में, हमारे लोकतंत्र में हम तभी मजबूत हैं जब हम एक दूसरे से संवाद करें। और दमन की राजनीति, हिंसा हो रही है, कॉलेजों में पुलिस जा रही है, नकाब पहन के लोग कैंपस में घुस रहे हैं, ऐसा पहली बार देखा गया है, उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो तमाम नौजवान वर्ग आज बहुत एक अजीब मोड़ पर खड़ा है और राहुल गांधी जी के यहाँ पे आने से मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ताकत उनको मिलेगी। और ये संदेश सिर्फ जयपुर राजस्थान के लिए नहीं है, पूरे देश भर में जो आज हालात हैं, GDP हो, अर्थव्यवस्था हो, निवेश हो, नौकरियां हो, छोटे कारखाने लगाने वाले लोगों, हर तरफ लोग चौतरफा मार झेल रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो विवादित मुद्दों को लेकर बार बार लोग सामने आते हैं, उन सबको एहसास दिलाने के लिए कि जनता समझ चुकी है असलियत क्या है, हकीकत क्या है, और उसी मुद्दे को लेकर कल यहाँ पर बहुत बड़ी रैली आयोजित होने जा रही है। पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी जी युवा अवस्था से गृहस्थाश्रम को लांघते हुए वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। किस बात का आक्रोश, किस बात की चिंता, कैसे प्रश्न, ये हिंदुस्तान की जनता अच्छे से समझ गई है। और नागरिकता संशोधन कानून के जरिए इस देश में भ्रम फैलाने के लिए, जनता को बिना वजह गुमराह करने के लिए एक एजेंडा सेट किया हुआ है जिसमें नौजवानों को हथियार बनाकर और एक वर्ग विशेष को माध्यम बनाकर इस देश में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और देश में अशांति और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान भी धीरे धीरे कांग्रेस की इन्हीं अराजक गतिविधियों का एक केंद्र बनाने की कोशिश राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले कुछ अरसे से करी है। अल्बर्ट हॉल से गांधी जी की मूर्ति तक का कथित शांति मार्च, जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं कि उस शांति मार्च के कमिश्नर के नोट में ये लिखा हुआ था कि इंटरनेट इसलिए बंद किया जा रहा है कि इस शांति मार्च में शांति भंग होने की आशंका है, ये रिकॉर्ड में है। तो चलिए, खास खबर मेरे साथ जुड़ गए हैं, तमाम बयान आपने सुन लिए, सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा और साथ ही
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं और तमाम सवाल हमारे जहन में भी हैं, उनका जवाब हम ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के नेता पंकज जोशी हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही कांग्रेस से विचारक हैं उपेंद्र राजपुरोहित। उपेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार है उमेंद्र दादीज। उमेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। उपेंद्र राजपुरोहित जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। सर, मैं बड़ी बहस की, राहुल गांधी रैली करने जा रहे हैं जयपुर में, क्या कुछ नया होगा इस रैली में? तमाम देश में जो हालात बने हुए हैं उनको लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना तो साध ही रही है, लेकिन राहुल गांधी क्या नया करेंगे इस रैली में? देखिए पराग जी, जो कल की रैली है वो हिंदुस्तान की केंद्र सरकार द्वारा जो पिछले 70 सालों का बार बार दुहाई देती है कि 70 साल में हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ, तो उसको लेकर कहें कि पिछले 5 साल और गत 1 साल लगभग जो पूरा होने वाला है 4 महीने बाद, इस पूरे 6 साल के दौरान केंद्र सरकार ने देश के लिए क्या किया? युवाओं का आक्रोश है केंद्र सरकार के प्रति, भ्रष्टाचार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, आर्थिक मंदी को लेकर के, अनडेवलपमेंट को लेकर के, इन सारे मुद्दों को लेकर के युवाओं का जो आक्रोश है केंद्र सरकार के प्रति, केंद्रीय नेताओं के प्रति, उसको लेकर के कल राहुल गांधी जी का जो यहाँ पर रैली का आयोजन किया जा रहा है, उसका मूल एजेंडा यही है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको किस प्रकार से देती है। निश्चित तौर पर उलझुल बयान इनके द्वारा आने शुरू हो चुके हैं, जैसे अभी माननीय राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सतीश जी पुनिया बोल रहे थे, मैं सुन रहा था अभी कि साहब, अरे अशोक जी गहलोत ने राजस्थान के अंदर शांति मार्च इतना शांतिपूर्ण तरीके से निकाला, उस पर भी आपको आपत्ति है? अगर इस शांति से निकालने में आपत्ति, तो आप चाहते क्या दंगे करवाना? तो मूल रूप से यहां पर यह सोच स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस शांतिपूर्ण आंदोलन करती है उस पर इनको आपत्ति है, क्योंकि इनकी फितरत ही दंगे फसाद करवाना है। तो यहाँ ये इन्होंने अपनी गलती खुद स्वीकार कर ली, इनको पता नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और कल का जो कार्यक्रम है वो देखिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं का आक्रोश है, तो कांग्रेस की फितरत हमेशा बिल्कुल स्वार्थपूर्ण रही है और शांतिपूर्ण तरीके से रही है। किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का माहौल गर्मा जी, अभी हमारे जो हैं, क्योंकि कांग्रेस तो आती नहीं है, लेकिन कांग्रेस के विचारक जो है जरूर आते हैं। चलो अच्छा है, कम से कम विचारक यहाँ पर आए तो उनकी बात तो कम से कम यहाँ पर रखी जाती है। पहली बात यह है कि जो है राहुल गांधी जो है दोबारा फिर आ रहे हैं आक्रोश मारने के लिए। एक बार आए थे बहुत जो है बीच में 2014 के बाद, बहुत सक्रिय होकर के आए थे, बहुत आक्रोश था, बहुत उयोश है, उस टाइम जो है युवाओं के रूप में आए थे। और अब जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब शायद वानप्रस्थी होकर के जो है फिर युवाओं में जो है जोश भरने के लिए दोबारा एक नई चीज पे आ रहे हैं। पहले वो जो है उस मंच को छोड़ करके भाग गए थे, अब दोबारा से आ रहे हैं। ठीक है, आना चाहिए किसी पार्टी का जो है, यदि उसके नेता बनना चाहते हैं तो, क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस की ये फितरत है, कांग्रेस में कोई दिक्कत ये है कि भाई वहां से तो जो है अगला अध्यक्ष, अगला उपाध्यक्ष, अगला महामंत्री कौन होगा, ये सब चीज वहां से तय होती है, तो वो आएंगे और यहाँ पर जो है जो भी वो होगा उसकी पालना करेंगे। अब बात इस चीज की बनती है कि आक्रोश रैली, जैसा इन्होंने कह रहा है कि आक्रोश रैली कौन सी? क्या जो बच्चे खत्म हुए थे कोटा के अंदर और जो आक्रोश जो है वो जो है संगठन में था और सत्ता के प्रति उन्होंने दर्शाया, उसको शांत करने के लिए आएंगे नहीं आएंगे? कल मंच से बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ये जनता देखेगी। उसके बाद में आप स्वयं देखें कि दोबारा जब है पंचायत चुनाव के बारे में जब बात हुई तो उन्हों को आक्रोश था, जो यहाँ पीसीसी चीफ थे उन्होंने कहा सरकार इस तरीके के काम करती है, उसके बाद उस आक्रोश पे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तीसरा, जयपुर शहर के अंदर जो है आप देखें कुछ दिन पहले ही इस तरीके की हालात की जब जहां पर जो है वहां की दवाइयां जो फ्री दवाइयों की जो बात करते हैं और जो योजनाओं की बात करेंगे वो दवाइयां जो है नीचे आकर के जो है बिक रही थी और उसके बाद में उसके अंदर जो शामिल थे आज तक उसकी रिपोर्ट, पहली एक रिपोर्ट बाकी है, 3 रिपोर्ट पहले बाकी है, अभी तक वो रिपोर्टें नहीं आई है डॉक्टरों की, अभी तक ये चौथी चीजें भी आ गई है कि इस पे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे।
चौथा आज ही मामला हुआ कि प्रदेश के सांसद के ऊपर पेट्रोल छिड़के करके जो की जा रहा है उस कानून व्यवस्था पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे या माननीय मोदी जी उसके ऊपर बताएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि इन चीजों के ऊपर और जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, आज देखिए कि आक्रोश जो है किसानों में, उन्होंने बात करी उनके जो है प्रभारी जी ने, मैं कह रहा हूं कि वहां टिड्डियों ने जो है पूरा का पूरा जो है साफ कर दिया, किसान आज परेशान है, किसान हताश है। ठीक है सर, इस पर आऊंगा मैं, चूंकि टिड्डियों को लेकर तो आरोप लगते रहे बीजेपी के ऊपर की गुजरात में वहां पर दवा का छिड़काव करवा दिया, लेकिन यहां पर स्प्रे के लिए कोई व्यवस्था केंद्र सरकार ने नहीं की है। ठीक है, इस पर भी आऊंगा, लेकिन उमेंद्र दादी जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दंगे भड़काने का काम बीजेपी कर रही है, हिंसा का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह ये कह रहे हैं कि लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है, पूरे देश को भ्रमित करने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। जी पराजी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद ही इस रैली को लेकर भ्रमित हूं। हाँ। क्योंकि इसमें लिखा है आक्रोश रैली, अब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आक्रोश रैली है आक्रोश सभा है। हाँ। क्योंकि रैली का रूप अलग होता है, सभा का अलग होता है, तो यह सबसे पहले तो मैं इस नाम को लेकर कंफ्यूज हूं कि ये रैली है या आक्रोश सभा है। बात अब आती है कि एक राजनीतिक दल होने के नाते उसकी मुखिया को आना चाहिए, राजस्थान में उनका स्वागत भी है, पधारो हमारा देश। लेकिन मुख्य बात, सबसे बात यह कि एक साल हो गया राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई, क्या कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है उसको दबाने का प्रयास है? क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, चाहे इनके पंकज जी की पार्टी का हो, चाहे अब हमारे उपेंद्र जी की पार्टी का हो, कार्यकर्ता ये देखता है कि उसको भी जब सरकार बनाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है तो चाहता है कि सत्ता में उसकी भागीदारी हो। हाँ। सत्ता में भागीदारी के लिए कुछ राजनीतिक नियुक्तियों के लिए उम्मीदें लगाता है। एक साल से अधिक हो गया, अभी तक राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई, तो हो सकता है कार्यकर्ता के मन में जो एक हताशा का वातावरण हो जाता है उसको दबाने के लिए, उस आक्रोश को समाप्त करने के लिए यह आक्रोश सभा का आयोजन किया गया हो। अब यहाँ कई बातें ऐसी होती है कि ये दोनों ही पार्टियों के नेता भले ही कुछ भी कहें, लेकिन यहाँ बात होगी कि राजस्थान की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी वादे किए थे और कांग्रेस ने भी चुनावी वादे किए। अब ये तो कहेंगे कि इन्होंने वादे पूरे नहीं किए, ये कहेंगे इन्होंने पूरे नहीं किए, लेकिन ये कहे कि चुनाव के समय में कौन सी पार्टी ने क्या क्या वादे किए और कितने उनको निभाए, ये दोनों पार्टियों को जनता के सामने लाना चाहिए, जनता के सामने बताना चाहिए। राजस्थान की जनता इस बात को जानना चाहती है कि आपने हमसे किन वादों को लेकर वोट मांगे थे और हमने आपको सरकार में भागीदारी दी, अब आपने उनको कितना निभाया कितना नहीं किया। अब यहाँ बहुत सारी बातें आती है कि देखिए सरकार में है, सरकार में होने के नाते कांग्रेस या राजस्थान की सरकार में है, कांग्रेस की इसलिए ज्यादा जिम्मेवारी राजस्थान में कांग्रेस की बनती है, कानून व्यवस्था बनाने का काम कांग्रेस का होता है। और यहाँ के अब राजस्थान विधानसभा में ये जो कल प्रस्ताव पास हुआ, परसों प्रस्ताव पास हुआ सीए के खिलाफ, और अब इन सब बातों को लेकर यदि जब आपने विधानसभा में एक कदम उठा लिया, उसके बाद में यदि हम सार्वजनिक मंचों से कहते हैं, तो हमें मानता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक जगह जगह जाके सीए और एनसीआर के पक्ष में वातावरण बनाने की कोशिश, जनजागरण अभियान चला रहे, कांग्रेस को भी एक राजनीतिक दल होने के नाते अपनी बात कहने का अधिकार है। और हो सकता है कि जी हो सकता है कि राहुल गांधी भी उसी अभियान के तहत यहाँ आ रहे होंगे। अब राजस्थान में मैं एक पत्रकार के नाते ये जानना चाहूंगा कि भाई इस समय दिल्ली में चुनाव का माहौल है, बड़े बड़े नेता दिल्ली में लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में हमारे राहुल गांधी जी समय निकाल के राजस्थान में आ रहे हैं, तो एक प्रश्न लगता है कि क्या उनको दिल्ली के चुनाव की कोई चिंता नहीं है? ठीक है, इस समय चाहे कोई भी पार्टी का हो, सब लोग कार्यकर्ता वहाँ दिल्ली में लगे हुए हैं। तो क्या उपेंद्र दादी साहब, सर आपका सवाल यह है और उपेंद्र जी से मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या सिर्फ अपने और अपनी पार्टी की चिंता कर रहे हैं राहुल गांधी, चुनावों की कोई चिंता नहीं है? कौन अध्यक्ष बनेगा, किसकी ताजपोशी होगी, पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, कैसे कार्यकर्ताओं को मनाया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट बांधकर रखा जाए, क्या यही प्रश्न है राजपुरोहित जी? देखिए पराग जी, पहली बात तो उमेंद्र जी ने यह कहा कि राजनीतिक नियुक्तियां, देखिए ये परंपरा चली आ रही है कि किसी भी सरकार का पहला साल चुनाव से भरा रहता है। हाँ। पहले खुद का चुनाव होता है, उसके बाद में लोकसभा चुनाव आए हैं राजस्थान में, और फिर पंचायत समिति और जिला परिषद के ये चुनाव आते हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में तो चौथे साल के अंत में जाकर के राजनीतिक नियुक्तियां हुई है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा राजनीतिक नियुक्तियां दूसरे साल के मिड से लेकर के एंडिंग तक कर दी है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। दूसरी बात पंकज जी जोशी जी ने और उमेंद्र जी ने जो आरोप लगाए, मैं कह रहा हूँ टिड्डी नियंत्रण का जो कार्य है पराग जी, वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, मैं तो ये कहूंगा कि
गुजरात में उन्होंने टिड्डी नियंत्रण के लिए पूरे प्रबंध कर दिए, राजस्थान में क्यों नहीं किए? ये सौतेला व्यवहार राजस्थान के जनता के साथ क्यों? लेकिन राजपुरोहित जी देखिए सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है, देखिए राजपुरोहित जी सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है कि सतीश पुनिया कह रहे हैं आप टिड्डियों की बात छोड़िए, केंद्र पर जो हालात है उनको छोड़िए, लेकिन राज्य में आपकी सरकार है, आपने क्या किया? बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ? किसानों का कर्ज माफ हुआ नहीं हुआ? महिलाओं की सुरक्षा कहां गई? ये तमाम सवाल आपके ऊपर उल्टे खड़े हो रहे हैं। सतीश पुनिया कह रहे हैं इन बातों को, आपने सुना भी होगा अभी उनके बयान पर। बिल्कुल बिल्कुल पराग जी, सतीश जी पुनिया पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। मैं आपको ताजा आंकड़े बता दूं, पिछले 3 महीने में बेरोजगारी भत्ते के लिए पंजीकरण में 20-22% की ग्रोथ हुई है। दूसरा, बेरोजगारी भत्ता 3,000 से बढ़ा करके 3,500 कर दिया गया है। तो 3,500 कर दिया गया, इसका मतलब कहीं बहुत लार्ज स्केल पे काम हो रहा है। चौथा, बेरोजगारी की बात करें, राजस्थान में पिछले एक साल के अंदर पराग जी करीबन 65,000 युवाओं को नियुक्तियां दी जा चुकी है। और अगले 6 महीने में राजस्थान में करीबन 52-53,000 पदों पर एग्जाम होने वाले हैं। ये राजस्थान के इतिहास में सरकार के पहले साल की आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो बेरोजगारों के साथ किए के दोनों वादे निभाए हैं, बेरोजगारी भत्ते को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के। तीसरा, हम बात कर रहे हैं किसानों की, तो देखिए किसानों के लिए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी कई गांव में भी गए थे और वहां किसानों से व्यक्तिगत पूछा कि आपको यूरिया खाद या अन्य जो भी संसाधन चाहिए वो सरकारी स्तर पर नहीं मिले हैं और आपने बाजार से खरीदे हैं, तो तत्काल वहीं पर उपस्थित पटवारी और तहसीलदार को पाबंद किया है कि इन्होंने जो पैसा बाजार से खरीद करके लगाया है वो इनको नगद भुगतान किया जाए। और राजपुरोहित जी, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जो जमीन जमादी सत्याग्रह करके बैठे हैं और इनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है? देखिए पराग जी, ये सत्याग्रह केंद्र सरकार के खिलाफ है, मैं पहली बात तो आपको बता दूं, ये जमीन अधिग्रहण जो हुई है वो केंद्र सरकार की जो सड़क बन रही है, बीजेपी के सांसद तो उन्हीं के साथ बैठे हैं ना धरने पर, जयंती योजना के उनके खिलाफ भी FIR ऐसा है, तो ये केंद्र हाँ तो उनकी सरकार के सांसद द्वारा, केंद्र की सरकार के बीजेपी के सांसद द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ ही आंदोलन किया जा रहा है। अच्छा। और क्योंकि वो राजस्थान के अंदर शांति भंग कर रहे थे तो राजस्थान की संवेदनशील सरकार ने उस अराजकता को रोकने के लिए उनके खिलाफ मुकदमे किए हैं। तो बताइए कहां व्यवस्था बिगड़ रही है? राजपुरोहित जी, कहां पर अराजकता हो रही थी, कहां हिंसा हो रही थी? किसान जमीन में गड्ढा खोद कर बैठे हुए हैं, शांति से अपनी बात रख रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक प्राइवेट संस्थान, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्थान में घुस के वे लोग बदमाशी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाते हैं, ये अराजकता नहीं तो क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? बताइए आप, ये सरकार द्वारा नहीं, ठीक है, पंकज जी द्वारा आवेदन किया गया है रजिस्टर्ड FIR के लिए। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है पंकज जी, तो सरकार तो पूरी तरह से हर जगह, देखिए राजस्थान में भी मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है पंकज जोशी, मैं अभी कह रहा हूँ निजी कंपनी में नहीं, फलौदी के अंदर जो है सोलर सिस्टम के अंदर सरकार की पुलिस खड़ी हुई देखती रही और जो है करोड़ों रुपए की संपत्तियां जो है इनके पुलिस और इनके नेता खड़े होकर के तोड़वाते हैं, और उस दिन FIR नहीं होती मंत्री पर, उस दिन FIR नहीं होती उनके जो है विधायक पर, क्यों? क्योंकि इनके लोग लगे हुए हैं, इनके लोग लूटने में लगे हुए हैं, क्योंकि उसमें जो है मुख्यमंत्री जी के भी लोग जो है शामिल हैं। मैं कह रहा हूँ कि आइए ना, उस दिन क्या होता FIR का, आज करीबन 8 महीने होने को है भाई, 8 महीने में FIR तो बता दीजिए। आपने आज की बात कर ली और मैं कह रहा हूँ कि बात कर रहे हैं आप जमीन की, जमीन का जो है अधिग्रहण का काम कौन करता है भाई? केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, ऐसा कौन देता है? अरे भैया तो अधिग्रहण तो करो, अरे तो पैसे के लिए है, तो भैया जी आपका पटवारी क्या कर रहे हैं? जोशी जी आप तो करिए भाई, आपके पास तथ्य नहीं है, लड़ाई तो करिए, क्या होगा? क्योंकि आपकी योजनाओं के लिए आप जो है खर्चा नहीं दे पा रहे, अभी कह रहे हैं हमने रोजगार दे दिए, अरे डीए तो दे दीजिए बड़ा हुआ, बेचारा कर्मचारी डीए मांग रहा है बड़ा हुआ, उसका जो है सरकार पर दिया ना कि क्यों राज्यों का पैसा उनको नहीं मिल रहा है, क्यों कटौती की जा रही है और क्यों राज्य सरकार को मजबूर किया जा रहा है कि जनता के कामों को ना कर पाए वो?
अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि जनता को काम करे, लेकिन आप अब सरकार में आ गए हैं तो आप लगातार बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं, आप लगातार पानी के बिल बढ़ाए जा रहे हैं, आप लगातार जो है टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, जनता का किसका है? आज बिजली के बिल में क्या आ रहा है भाई? आप जो है सफाई शुल्क जो है सीधा भी ले रहे हैं और बिजली के बिल में भी ले रहे हैं, और उसके बाद फिर याचिका लगा दी आपने उठा करके जो है आरएसी के सामने कि साहब फिर बढ़ा दिए रेट हमारे, और उसके अलावा सिक्योरिटी बढ़ा दिया आपने, और 37,000 करोड़ रुपए का जो आपने सब्सिडाइज किया है उसका भुगतान क्यों नहीं कर रहे बिजली कंपनी को भाई? उसका भुगतान भी जनता से ले रहे हैं कि सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। ठीक है उमेंद्र दादी जी, ठीक है उमेश जी, अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, अभी आपने थोड़ी देर पहले सर एक बात कही थी कि सरकारें दोनों की रही हैं, सरकारें दोनों की रही हैं, लेकिन आरोप भी एक दूसरे पर लगते रहे हैं। आपने ये नहीं किया या मैंने ये नहीं किया, जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं, एक दूसरे के ऊपर पर्सनल कमेंट करना सिर्फ आज की राजनीति यहीं तक सिमट कर रह गई है। जी देखिए पराग जी, यदि राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे तो कोई भजन करने के लिए दोनों ही दल बैठे नहीं है। हाँ। हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए दोनों बैठे नहीं है, लेकिन जनता को इन्हें बताना होगा कि हमने आपसे ये वादे किए थे, हमने इन वादों को इतना पूरा किया। यदि देखिए जब तक समयबद्ध योजना के अनुसार आप यदि वादों को यदि नहीं निभाएंगे तो आने वाले, अब ये कहते हैं कि साहब बीजेपी ने ऐसा किया, अरे बीजेपी ने ऐसा किया तो जनता ने बीजेपी को हटा दिया था, आप उनकी राह में क्यों जाते हो? बीजेपी ने जो गलतियां की उसका उनको चुनाव में उनको नतीजा मिल गया। अब ये हमेशा उदाहरण दें कि साहब इनके शासन में ऐसा हुआ, इनके शासन की कमियां थी तभी तो आप आए। अब यदि हम इस परंपरा को हमें समाप्त करना होगा कि आपने ऐसा किया इसलिए हम भी इसी परंपरा में चल रहे हैं। बात आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान की जनता आप दोनों पार्टियों से एक सवाल का जवाब मांगना चाहती है कि आपने जो हमसे वादे किए थे उन वादों के आधार पर आप सत्ता में आए हो और उन वादों में कितने क्रियान्वित की। केवल ये नहीं एक दूसरे पर आप आरोप लगाए जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। हमने आपको वोट दिए, हमने आपको सरकार में भेजा, आपने उनकी उन वादों को कितना क्रियान्वित किया ये हम आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है पंकज जोशी जी, जब भी राहुल गांधी की सभा होती है उससे पहले कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों उनको स्लो डाउन करने की कोशिश की जाती है और ये बताया जाता है कि राहुल गांधी आ रहे हैं कुछ नया नहीं करेंगे, कोई जोश पार्टी के अंदर नहीं भरेंगे, कोई युवाओं को उनके अंदर अभियान नहीं चलाएंगे किसी तरीके का, क्यों आखिर बीजेपी को कहां दिक्कत होती है राहुल गांधी की रैलियों से? नहीं देखिए राहुल पराग जी, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें तो उल्टी खुशी होती है कि राहुल गांधी जी ज्यादा रैलियां करें, ज्यादा हाँ। जो है जाकर के घूमे, हम तो लगातार इस चीज को कहते हुए आए हैं, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए कि जयपुर के अंदर राहुल गांधी जी आते हैं तो राहुल गांधी जी का एक बड़ा सेटअप सिस्टम देखिए आप, या तो आएंगे जो है रामलीला मैदान के अंदर, या आएंगे एल्बर्ट हॉल पर, या आएंगे ये एल्बर्ट हॉल पे, ये सभा कब हो रही है? लास्ट सभा किसकी हुई थी? मैं कह रहा हूं माननीय हाईकोर्ट ने बाकायदा मना किया था कि यहां पर जो है सभाओं के लिए स्थान नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री की सभा कहां होती है? या तो होती है जो है विद्याधर नगर के जो है स्टेडियम में, या होती है जो है आपके जो है मानसरोवर के जो है बड़े स्टेडियम में, या होती है बाहर जाकर के, वहां जाकर के सभा होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है अपनी मेहनत करके जो है वहां की जनता पहुंचती है, लेकिन कांग्रेस की जो सभा होती है ये जो है लगातार या तो रामलीला मैदान में होगी, या जो है एल्बर्ट हॉल पर होगी, या जो है गांधी जी की मूर्ति के आसपास होगी। मतलब मैं बता रहा हूं कि भाई ये यहीं पर ऐसी क्या चीज है, और वहां माननीय कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के बाद वही प्रशासन जो है उनको इजाजत देता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है जयपुर की जनता के बीच में ये प्रश्न भी उठता है कि आपने इस तरह की सभाएं वहां क्यों रखते हैं भाई? क्या आपको लगता है कि जनता नहीं आएगी, या जनता के वो एक स्पेसिफिक जो है समुदाय को ही लाने का आपका लक्ष्य रखा गया है कि वही इस पर आएगा? तो ये सब चीज जनता देखिए जयपुर की पूरी देख रही है। हम तो खुद कह रहे हैं आपको कि भाई आज आपके लिए जब सभाएं वहां होती है तो ये सभाएं क्यों नहीं हुई होनी चाहिए थी वहां, ये सभाएं परमिशन यहां क्यों मिली? तो मैं कह रहा हूं ये भी एक प्रश्न जो है निश्चित रूप से जनता जानना चाहेगी। ठीक है राज पुरोहित जी, राहुल गांधी सभा करने जा रहे हैं अल्बर्ट हॉल में, लेकिन सतीश पुनिया कह रहे हैं कि यहां तो कवि सम्मेलन होते हैं, सभा कहां होती है? देखिए पराग जी, अल्बर्ट हॉल वो जगह है, वो ऐतिहासिक जगह है जहां राजस्थान के हर मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के अंदर युवा जोश खरोश के साथ पूरे राजस्थान से पहुंचते हैं, अपने एमएलए के साथ में, अपने नेताओं के साथ में। तो ऐतिहासिक स्थल पर ऐतिहासिक रैलियां करना क्या गलत है? इतिहास को सामने रख रहे हम,
कि यहाँ पर राजस्थान की नजर रखी गई है, वहां पर रैली कर रहे, इनको आपत्ति कहां है मुझे बताइए। पराग जी, जनता को पूछिए, जो आपके हॉस्पिटल आता है उसको पूछिए कि किस तरीके से जो है ये रैली चल रही है। मैं कहूं कौन सा रास्ता है दौसा से आने का, रास्ता बताइए मुझे, कौन सा रास्ता नहीं होगा। पिछली बार शांति रैली की थी, मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये बोल रहे भाई, ये जो है उपेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि मेरे जानकार के जो है दौसा में एक्सीडेंट हुआ था, उसको जयपुर में आने के लिए लगभग 3.5 घंटे लगे एक पेशेंट को पहुंचने के लिए। मैं कह रहा हूं कौन सी ऐसी सरकार है भाई, क्या ऐसी चीज है जहां मना किया था हाईकोर्ट ने कि भाई ऐसी जगह पर जो है इस तरीके की सफाई नहीं होनी चाहिए। एसएमएस का कौन सा रास्ता है दौसा से आने का, मुझे बताया, ये बंद नहीं करेंगे। बीजेपी की बीच में कूदने की बड़ी आदत है, बताइए ना बराग जी, ये शर्म आनी चाहिए आपको। बीजेपी हार जाते हैं, ठीक है, जवाब देंगे कि नहीं, कोई जब मौका मिला है जोशी साहब जवाब दीजिए। बीच में कूद गए राजपुरोहित जी, जोशी जी भी फॉलो कर रहे हैं अपने नेताओं को। पराग जी सर करेंगे अपने नेताओं को फॉलो करेंगे, कांग्रेस के नेताओं को थोड़ा करेंगे फॉलो। इनके अमित शाह भी इनके नहीं, हम सही बात का विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, गलत बात का विरोध करते हैं। मैं आपको बता दूं, अमित शाह हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी भी पार्टी के कार्यक्रमों को रामलीला मैदान में कईयों बार कर चुके हैं। मैं आपकी जानकारी लिए बता, सभा नहीं करी है? बिल्कुल करिए, कैसे नहीं करी सभा के लिए बता, कैसे नहीं की, कैसे नहीं, कौन सी किस कौन सी सभा की थी, किस लोकसभा की, लोकसभा चुनाव से बताते हैं आपको, लोकसभा चुनाव से बताइए कौन सी सभा की थी, लोकसभा चुनाव से पहले बताइए कितनी सभा हुई आपकी, क्या बात सभा हुई है, अरे जहाँ सभा हुई वहाँ पूछिए ना, कैसे नहीं हुई, अरे भैया पूरे लोकसभा चुनाव, अरे भैया लोकसभा चुनाव की सभा बता दूं आपको, राहुल गांधी आ रहे हैं जी, अपनी बात करें जल्दी, प्लीज 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 एक एक करके, बिल्कुल झूठ बोलने की सारी परंपराएं आपकी है। अब रोना छोड़िए, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें यह नहीं कहना चाहिए कि 70 साल में क्या हुआ, हमें यह सोचना चाहिए कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम आने वाले 70 साल में क्या करेंगे देश के लिए, हम आने वाले 7 साल में देश के लिए क्या करने वाले हैं। विषय ये होना चाहिए, न कि विषय ये होना चाहिए कि आपने क्या किया, जी रो कौन रहा है, ये परंपरा की शुरुआत आपने की है, परंपरा की शुरुआत पार्टी से अलग जानना चाहूंगा, चलिए आपकी सभा कहाँ होती है, कोर्ट ने इजाजत दी या नहीं दी, मैं इस विषय में नहीं जानना चाहता। मैं तो यह जानना चाहूंगा कि सरकारी साधन संसाधनों का कितना उपयोग या दुरुपयोग होगा। मेरा सवाल तो ये होता है कि भाई जब होगा यहाँ पे, अब ये देखिए शहर की यातायात व्यवस्था भी होगी, 2500 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ लगाए गए हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होगी सरकार में होने के लिए। यदि पंकज जी की पार्टी सरकार में थी तो ये आरोप इनपे भी लगते थे, आज इनकी पार्टी सरकार में है तो इनपे भी आरोप लगे। सरकारी साधन संसाधनों का कितना उपयोग है, कितना दुरुपयोग होगा, ये भी एक राजस्थान की जनता जानना चाहेगी। और साथ साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब राहुल गांधी यहाँ राजस्थान में आ रहे हैं तो यहाँ उनकी सरकार, उनकी पार्टी की सरकार है, तो यहाँ राजस्थान की जनता को क्या नए वादे देखे जाएंगे, क्या नई सौगात देखे जाएंगे, जो कि मैं एक राजस्थान का मतदाता होने के नाते ये जानना चाहूंगा कि जिस पार्टी जिसकी सत्ता में है उसका मुखिया यहाँ आ रहा है तो यहाँ की जनता को विशेष उम्मीदें होती है, उम्मीदों पर टिका हुआ है राजस्थान। यानी हम लोगों की एक परंपरा ये है कि आप हमारे यहाँ आओगे तो क्या दोगे, अब राजस्थान की जनता राहुल गांधी से ये जानती है। पहले तो मैं उम्मीद लगाए बैठे, पार्टी के मुखिया नहीं है, जानकारी पार्टी को निर्देश देते हैं, मुखिया नहीं है वो, पार्टी हाई कमान है, पार्टी के मुखिया आज पार्टी के मुखिया राहुल जी है, राहुल गांधी इतनी क्षमता है कि वो चाहे जिसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं और चाहे जिसको मुख्यमंत्री से हटा सकते हैं, राहुल गांधी शाम हट सूर्य ढलने नहीं है लेकिन बनने वाले हैं, का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, उनकी इतनी क्षमता है, ठीक है राजपुरोहित जी बनने वाले हैं मुखिया। देखिए भविष्य में मुखिया कोई बन सकता है, पराग जी सर कोई कैसे बन सकता है, ये कांग्रेस की सर कोई कैसे बन सकता है, राहुल गांधी बन गए, राहुल गांधी की ताजपोशी होगी, पार्टी अपने अंदर से बाहर तो जा ही नहीं रही है ना सर। देखिए कांग्रेस की पराग जी कांग्रेस की परंपरा रही है कि जो सर्वमान्य नेता होगा उसको ही मुखिया बनाया जाएगा, कांग्रेस की परंपरा रही है कि परिवार वाला ही बनेगा, केंद्र की बात करें लेकिन इनके पार्टी में तो थोपा जाता है,
बीजेपी में थोपा जाता है, बीजेपी में थोपा जाता है। सर क्या कांग्रेस पार्टी के जोड़े नेता है किसी को परिपक्व नहीं मानते अध्यक्ष पद के लिए? आप नहीं मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है? कैसे सर आपने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है, जो कांग्रेस पार्टी का सर्वमान्य होगा, सर्वसम्मति से होगा, सबका प्रिय होगा, क्या कांग्रेस पार्टी में बाकी नेता नहीं है? सर जो प्रिय है वो हो जाएगा, जब प्रिय वहां पे जो दिख रहा है उसी का चयन होगा ना। चलिए ठीक है सर, आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, ठीक है राजपुरोहित जी आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक सवाल मेरा और ये है। सतीश पुनिया ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों को, शिक्षकों को धमकाया जा रहा है, नौकरी जाने का डर सताया जा रहा है उनको कि आप रैली में आइए। शिक्षकों को, छात्रों को, कर्मचारियों को क्या डर दिखा रही है कांग्रेस पार्टी रैली में लाने के लिए राहुल गांधी की? अगर ऐसे नहीं, अगर ऐसा है तो सतीश जी पुनिया से मैं यहाँ निवेदन करूंगा कि आप एफआईआर दर्ज करवाइए उन कर्मचारियों के द्वारा, एफआईआर दर्ज करवाइए। ये किस प्रकार का मिथ्या आरोप लगा रहे हैं? सरकारी कर्मचारी कैसे आ सकते हैं, छुट्टी का दिन नहीं है? अगर और कोई स्वेच्छा से आए उसे कोई रोक नहीं सकता, तो ये मिथ्या आरोप है। इस प्रकार के काम तो बीजेपी की सरकार ने, ठीक है पंकज जी क्या कर्मचारी और शिक्षक सतीश पुनिया जी के पास आए थे उपचुनाव में? सर पंकज जी क्या कर्मचारी और शिक्षक और छात्र आए थे पुनिया जी के पास कि साहब जबरदस्ती हमको बुलाया जा रहा है? देखिए बिल्कुल यदि विपक्षी पार्टी है तो निश्चित रूप से जो है, क्योंकि आज जिस हालात में नौकरियां हैं, जिस हालात में ये है, तो वहां बिल्कुल जो है इस चीज के लिए है। और ये जो है एक बार नहीं, अभी भी आप यदि पिछले यदि आप देखेंगे तो सभाओं के अंदर जो है लगातार जिस तरीके से जो है ये जो बाल कल्याण वाले होते हैं या इन लोगों को लगातार आपके पास इनका जिस तरीके से लगातार कहा गया, तो ये लगातार होता रहा है, कहीं भी बताइए मुझे। और क्यों नहीं हो रहा भाई इस चीजों का? और दूसरा भी इन्होंने अभी राजपुरोहित जी ने कहा कि साहब आप 55 साल का रोना रोगे। अरे भाई हमने कहा रोना रोया, आप ही ने कहा था कि जहर का प्याला पीना पड़ रहा है। आपने यहाँ इसी जयपुर में आके कहा था, गुलाबी नगरी में जहां पर जो है अमृत बरसता है, वहां पर कहा था कि जो है राजनीति जो है जहर का प्याला पीना पड़ता है। तो भाई ऐसा जहर का प्याले में क्या ऐसा स्वाद है जो आप बार बार जो है यहाँ पीने आते हैं? तो मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों को जो है बंद करना चाहिए। और जो बात मैंने पहले भी कहा कि जिस जगह पर रैली हो रही है, जिस जगह पर हो रही है, वहां जो है निश्चित रूप से आप देखें तो वहां पेशेंट्स की जो हालत होती है, मैं कह रहा हूं कि आप यदि कभी भी आपके क्या बात कर रहे हैं जोशी जी, कह रहा हूं कि उस वहां से 2 किलोमीटर डिस्टेंस, 2 किलोमीटर डिस्टेंस वहां से क्या बोल रहे हैं आपको? यदि आप नहीं हो तो आप मुझे बता दीजिएगा जो है गोविंद मार्ग पे यदि प्रॉफिट ट्रैफिक जाम नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा। गोविंद मार्ग ट्रैफिक जाम पे रहता है सर, झूठ का पूरा रास्ता जो है। और ये तो क्या है कि इन्होंने तो मृत्यु होती है और आज जो ऐसा झूठ तो पता नहीं चला इनको, ऐसा झूठ रहता। अरे ये तो कहना चाहिए आज भी जो है इनको ऐसा झूठ तो बोलिए जो परेशानियों से ठीक है। उमेश जी कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए सर, मैं बताना चाहूंगा कि अभी शाम को पुलिस आयुक्तालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें जिस प्रकार का मार्ग बताया गया है उसमें गांधी सर्किल से लेके अपने म्यूजियम वाला इलाका ये सब उसको बताया गया कि यहाँ पे इन्होंने बैरिकेड्स लगाए, व्यवस्था की गई है। तो ये उसमें क्या ऐसे में इसका पीछे का हिस्सा भी उसमें आता है। अब इन सब व्यवस्थाओं को देख के देखिए परेशानी होगी क्या नहीं होगी, लेकिन मैं तो यहाँ ये मुख्य मुद्दा यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सभा के बाद में म्यूजियम में यहाँ जहाँ ये सभा होने वाली है, पहली सभा एक हो रही है। अब इससे पहले की सभाएं प्रशासन में पहले भी अशोक जी यहाँ सीएम थे, उन्होंने भी किसी को इजाजत नहीं दी थी, अचानक किन कारणों से यहाँ पे सभा हुई ये थोड़ा सा सोचने वाला एक विषय हो गया। मैं देखिए सरकार में है इसलिए कुछ ना कुछ सुविधा देखते हैं अपनी, और देखना भी चाहिए, एक सरकार को अपने देखना पड़ता है कि क्या हानि लाभ होंगे, क्या कानून व्यवस्था होगी, इनका एक सोचने का मुद्दा होगा। लेकिन मुख्य बात यह आती है कि जब इतने बड़े लोगों की पहले भी सभाएं बाहर हुई है, तो ये सभा भी यदि जयपुर के ऐसे स्थान पे होती जहां आम जनता को दिक्कत नहीं होती, जहां उचित होता है। ठीक है, राजपुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पराग जी
मैं निवेदन करूंगा कि दो मिनट तक कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। अभी जोशी जी ने आरोप लगाया कि भाई इनके शिकायतें आ रही है कि टीचरों को डराया धमकाया जा रहा है। मैं पराग जी आपको बता दूं, मुझे बाद में घटना याद आई, पिछली बीजेपी सरकार के दौरान जो भी पूरे 5 साल में इन्होंने कोई 25-30 हजार नियुक्तियां दी थी युवाओं को, उनके लिए कार्यक्रम रखा विधानसभा के आगे, विधानसभा के आगे। ये विधानसभा जो है वहां जो कार्यक्रम हुआ था, अब जो कल कार्यक्रम हो रहा है वहां से मात्र 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। विधानसभा के आगे वो कार्यक्रम रखा गया था, हाँ। उन सारे नव नियुक्त अध्यापकों को और कर्मचारियों को बुला करके सम्मान करने का। पराग जी उसमें मेरी बात लाभान्वित व्यक्तियों को बुलाया गया था। सम्मेलन में पहले कहा गया था कि लाभान्वित एक एक करके सुन लीजिए। उमेंद्र जी सारों में एक बार सुन लीजिए, प्लीज अपनी बात रखें, ठीक है सर। आपका उसका उन्होंने सवाल उठाया, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार सुन लीजिए पूरी बात, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। राजपूत जी, जो पराग जी जो मेहनत से पढ़ लिख करके सेलेक्ट हुआ है, हाँ। उसको किस बात का लाभ दे दिया आपने? वो अपनी योग्यता बोझ बीच में आप कौन होते हैं उसको लाभ देने वाले? वो अपनी मेहनत के बल पे आरबीएससी वालों में नहीं थे ये उनका जो आप होते कौन है? इस तरीके से नहीं होती है, प्लीज रखिए इनको। दरख्वास्त है आपसे, आप एक एक करके अपनी बात रखें। हो गया राजपुरो जी आपका, ये बीच में बोल रहे हैं। पराग जी मुझे आप बताइए, हाँ। जिसने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हुआ, उस पर क्या एहसान किया इन्होंने? वो काय का लाभान्वित है? उसकी योग्यता के बल पे आया, उनको इन्होंने मजबूर किया, लाभान्वितों को बुलाया, बुला करके धमकाया, हाँ। कि आप हमें वोट देंगे, 2 महीने बाद चुनाव होंगे। उनमें से 2 लोग मुझे जब मैं 22 गोदाम से आ रहा था, आराम से मिल गए, हाथ किया, करीबन 7:30-8 बज रहे थे, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा बोलो भाई साहब हमें थोड़ा आगे एक जगह छोड़ दोगे? तो मैंने कहा मैं उधर ही जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा, मैंने बैठा लिया गाड़ी में, हाँ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई कैसे? कहा सर मजबूर है, नहीं आते हैं तो ये रोड़े अटकाते। मैं उनके नंबर नहीं, एक तो बाड़मेर का था और एक जैसलमेर का था, एक बिश्नोईर, एक जाट, ठीक है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा बिल्कुल सर, के हमें कहा गया है, हमने आपको नौकरी दी है, हाँ। आप हमें तो डरा धमकाने सार्वजनिक रूप से डरा, ठीक है पंकज जी, ठीक है पंकज जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद उमेंद जी आपके पास मैं आऊंगा। ब्लैकमेल आप करते हो, आरोप हम पे लगाते हो, ठीक है आप सुन लीजिए सर, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि अब आप भी धैर्य रखे सुनेंगे। जोशी साहब सुनिए, जल्दी से अपनी बात रखिए। बिल्कुल मैं उपेंद्र जी ने तो अभी 2 आदमी की बात कही, मैंने तो इनके वरिष्ठ विधायक की बात कहता हूं, हाँ। जिस वरिष्ठ विधायक ने जो है जाकर के जो है पूरे इनके जो चीफ आ रहे ना उनके लिए क्या कहा था, और उसके बाद इनको वापस लेना पड़ा उन विधायक साहब को, और जाकर के कहा कि क्या है ये, हमने नहीं कहा था, इनके विधायक ने कहा, खुले तौर पर कहा, और इनके एक विधायक ने कहा कि पैसे दे करके, खुद उन्होंने कहा कि पैसे देकर टिकट दिए गए, कौन सा एहसान कर दिया जो चुनाव में टिकट दे दिया। 2 बातें तो ये रही, इसकी बात पहले कर दूं, 2 आदमी इनको मिले थे, 2 बताएं, यदि ये 10 बताते तो 10 बता देता मैं। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि साहब वो लाभार्थी थे, भैया आपके यहां तो जो है जो राहुल जी के पिताजी थे हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि 1 रुपया ऊपर से भेजता हूं 85 पैसे जो है गायब हो जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। हमने कहा कि जो लाभार्थी है ना जिसको ऊपर से रवाना किया गया है उसका एक एक पैसा उसके पास पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके देखा, और लोगों ने कहा कि लोगों से पूछा कि भैया तुम्हारे पास जो है ये उज्ज्वला के कितने कनेक्शन इतने दिए थे, इतने पहुंचे कि नहीं पहुंचे? लोगों ने कहा हाँ पहुंचे, हमारे खाते में पहुंचे। जब खाते खुल रहे थे तब इनको परेशानियां हो रही थी, गरीब आदमी खाता क्यों खुल रहा है? क्यों? क्योंकि इनके जैसे जो लुटेरे थे बीच में, जो लगातार जो है सब लोगों का पैसा लूटते थे, जो पैसा खा जाते थे, उनके जो है उनको दर्द हो रहा था, परेशानियां हो रही थी। और 6 साल के अंदर इनकी 10 साल की सरकारों में देख लीजिए कौन सा ऐसा जो है घोटाला था जो बच के रह गया था, सारे घोटाले हुए 6 साल के अंदर। आप भी वही थे, सुप्रीम कोर्ट भी वही था, और जनता भी वही थी। आप बता दीजिए कौन सा ऐसा आरोप लगा कि जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके जो है चाहे वो बॉम्बई के जो है चौहान साहब हो, चाहे बेसिकली यहाँ से जो है राजा साहब हो, चाहे कनिमोजी जी, ठीक है जोशी साहब आप सुन लीजिए, तो लगातार उमेंद्र जी को सुन लीजिए, उसके बाद आ रहा हूँ राजपुरो जी आपके पास, चीजों को जो है छोड़ना चाहिए, ठीक है उमेंद जी। जी देखिए मैंने पहले भी ये बात कही है, वापस ये कहना चाहूंगा
कि आप लोग आपकी राजनीति के चक्कर में राजस्थान को नुकसान मत पहुंचाइए, राजस्थान की जनता से जो आपने चुनावी वादे किए उनको क्रियान्वित करने की बात कीजिए कि हमने ये वादे किए थे। माननीय राहुल गांधी जी ने यह भी कहा था कि जिस दिन हमारी कांग्रेस की सरकार यहां बन जाएगी 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स को स्टाइप फंड देने की बात हुई, अब राजस्थान की जनता उनसे भी पूछना चाहेगी कि आपने जो वादे किए थे चुनाव के बाद में, शायद वो उनका ये सेकंड दौरा है जिसमें यहाँ जयपुर आएंगे, वो अब इस नाते जनता का एक प्रश्न होना स्वाभाविक है। उनको ये कल हमें उम्मीद है कि वो शायद कल इन बातों का जवाब देंगे कि हमने ये चुनावी वादे पूरे किए, आगे हमारी ये योजना है, जो अभी 4 साल कांग्रेस की सरकार यहाँ रहनी है। तो जनता को इनसे ज्यादा उम्मीद है, और जो जो व्यक्ति सक्षम होता है उससे उम्मीद लगाना कोई गलत बात भी नहीं है। राहुल गांधी इस समय कांग्रेस के सुप्रीमो हैं, और सुप्रीमो जब यहाँ आएगा तो राजस्थान की जनता उनसे उम्मीदें ज्यादा लगाएगी। केवल नकारात्मक बातें सुनने के लिए यहाँ राजस्थान की जनता नहीं बैठी है। राजस्थान की जनता को चाहिए सकारात्मक विचार। राजस्थान की जनता ये जानना चाहेगी कि आप हमें क्या विकास की क्या योजना देने वाले हैं। राजस्थान का जो किसान है, मजदूर है, दलित है, पीड़ित है, उसको आप नहीं ये क्या लाभान्वित योजना देने वाले हैं, हम ये जानना चाहेंगे कल। ठीक है राजपुरोहित जी, सवाल यही है कि राहुल गांधी आ रहे हैं राजस्थान, जयपुर में रैली करेंगे, युवा आक्रोश रैली जिसका नाम कांग्रेस पार्टी दे रही है, लेकिन क्या नए मुद्दे उठाएंगे? क्या वही अर्थव्यवस्था और CAA, NRC, तमाम जो मुद्दे देश के अंदर चल रहे हैं, जो तमाम जगह पर कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, क्या वही मुद्दे राहुल गांधी यहां उठाने आ रहे हैं? नहीं पराग जी, युवाओं का आक्रोश है बहुत सारे मुद्दों को लेकर के जी, बेरोजगारी को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, अनडेवलपमेंट को लेकर के, और जो अर्थव्यवस्था डे बाई डे नीचे आ रही है उन सब को लेकर के। लेकिन यहाँ पराग जी मैं कुछ एक इससे रिलेटेड एक बात और यहाँ पर कहना चाहूंगा। पहली बात, प्लीज आप लोग बीच में ना बोले, लेकिन इससे पहले एक मेरा सवाल है राजप्रोह जी, इससे पहले एक मेरा सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि ये अपने आप में गंभीर विषय है कि आज के दौर में भी राहुल गांधी बेरोजगारी की बात करने आते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करने आते हैं? उपेंद्र जी बोले उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, राजस्थान की जनता का एक नागरिक होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि बासी कड़ी में वापस फिर से उबाल वाली बात नहीं की जाए, हमें कुछ नई चीजें दी जाए। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है राजप्रोहित जी, मैं पराग जी मैं तीन पॉइंट पे बोल रहा हूँ। पहली बात तो मैं बड़े भाई है हमारे जोशी जी, उन्होंने एक शब्द बोला कि इनके जैसे भ्रष्टाचारी लोग, यानी मेरे बार मेरे तरफ इशारा कर, ये नहीं मैंने कोई इनके जैसे नहीं बोला, आप दोबारा देख लीजिए अपनी क्लिप देख लीजिए, मैंने कभी नहीं बोला है, उनका नाम नहीं है। ठीक है पराग जी, गलत, मैं इस बात को आप ठीक है, मैं कभी भी व्यक्ति बात पे ना तो बोलता आया हूं ना ये इनके जैसे इन पार्टी सर वक्त की नजाकत को समझिए, एक एक करके जल्दी से अपनी बात रखिए। इन्होंने कहा दूसरा, इन्होंने कहा लाभान्वित, देखिए सरकारी नौकरी पाने वाला लाभान्वित नहीं है। तीसरा देखिए पराग जी, राजस्थान एक विषम परिस्थितियों वाला राज्य है। अभी हमारे जो BD कल्ला जी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने केंद्र से मांग रखी कि जल शक्ति के लिए जो प्रोजेक्ट आया है, जो कुछ विशेष विशेष राज्य है जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पूर्वोत्तर के राज्य है, उनको केंद्र सरकार 9:1 के रेशियो में पैसा देती है, 1% राज्य सरकार का और 1 भाग राज्य सरकार का, 9 भाग केंद्र सरकार का। तो राजस्थान मैं कहता हूं बहुत ही ज्यादा विषम परिस्थिति वाला राज्य है। यहाँ चिंता की बात है कि केंद्र सरकार इस वक्त राजस्थान को एक फूटी कोई नहीं दे रही। ठीक है पंकज जी ये बड़ा आरोप लगाती रही है कांग्रेस पार्टी, खुद मुख्यमंत्री कहते हैं, इस बात को चाहूंगा जल्दी से इस पर भी एक कमेंट करें। और एक मेरा सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी की रैली को लेकर कहीं ना कहीं BJP में कलबली है? जल्दी से प्लीज। देखिए राहुल गांधी जी की रैली को कोई खलबली नहीं है, और आप खुद ने देखा होगा हमारा कोई ऐसा नहीं था, कई बात आपने जब पूछा तो जो है हमने बताया हमें कोई खलबली नहीं, पहली बात। दूसरा जो बात इन्होंने कहा कि जल शक्ति का जो मामला है, मैं आज आपको कहता हूं कि आप जो है यदि सरकार में है तो माननीय मुख्यमंत्री न केवल कांग्रेस पार्टी के बल्कि जनता के चुने हुए होने के कारण मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री और उनके सेक्रेटरी तीनों को मैं कहता हूं कि यदि कोई भी ऐसी चीज हो है ना, तो आप जो है मीडिया के मार्फत से, जो आपने बंद कर रखा है मीडिया के मार्फत से और पत्रिका
संख्या के हिसाब से जो भी है जिसके अंदर हम पात्र के अंदर। बीजेपी ये कह रही है कि कोई कलबली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का क्या कोई ऐसा करिश्मा है जो राज्य दर राज्य बीजेपी सिमरती जा रही है, कहीं ना कहीं नुकसान राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, और इसी को लेकर शायद बीजेपी के लोग यह सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जाएंगे तो फिर से इन मुद्दों को दोबारा दोहराएंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान ना हो। देखिए पराग जी, निश्चित है कि जब राहुल गांधी आएंगे तो अखबारों में भी छाएंगे, मीडिया में भी उनकी चर्चा होगी, कुछ ना कुछ एक वातावरण बनता ही है, और कोई भी एक राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ एक वातावरण बने। हाँ। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि अन्य दलों के पक्ष में थोड़ा बहुत भी वातावरण बने, या बीजेपी का होगा तो कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि उनके पक्ष में उनके खिलाफ कोई वातावरण बने। तो राजनीति में माहौल बनाना या नहीं बनाना, इसके लिए तो देखो हर दल ये चाहेगा कि माहौल उनके पक्ष का हो। कल यदि कुछ सीए के बारे में बोलेंगे या जैसा भी कुछ है, उसे यदि माने 1-2% वातावरण बनता है कांग्रेस के पक्ष में, तो कांग्रेस के लिए तो इसमें सफलता की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि 1% भी कोई वातावरण कांग्रेस के पक्ष में बने। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जोशी आपका, उपेंद्र राजपुरोहित जी आपका और उमेंद्र दादी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की रैली होने जा रही है जयपुर के अल्बर्ट हॉल में। अब देखना होगा कि युवा आक्रोश रैली जिसको नाम दिया है कांग्रेस पार्टी ने, क्या आक्रोश इसमें राहुल गांधी केंद्र के खिलाफ निकालते हुए नजर आते हैं, और क्या नया जोश नई उमंग पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।